Once more! क्यों हिला डाला ना? ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको तुम यूज करके हेडशॉट मार सकते हो, वन टैप हेडशॉट मार सकते हो, ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो, और तो और हेडशॉट से बच भी सकते हो। ठीक सुन रहे हो भाई, हेडशॉट से बच भी सकते हो। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। देखो, हेडशॉट मारने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, जितना हेडशॉट ट्रिक जान लो बट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो हे गाइस, मैं हूं आपका भाई शेखो, भाई स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। तो फर्स्ट हेडशॉट कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को तुम यूज करके इजीली हेडशॉट, वन टैप, ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। तो एक्टिव कैरेक्टर में उकोंग कैरेक्टर को यूज किया हूं। अब उकोंग का एबिलिटी तो आपको पता होगा, बूस्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड एनिमी को नॉक करने से बूस्ट जो है वो रीसेट हो जाता है। बट क्यों उकोंग कैरेक्टर बेस्ट है हेडशॉट के लिए? देखो, उकोंग को यूज करने से तुम्हें और ज्यादा इजी हो जाएगा हेडशॉट मारना। कैसे? तुम्हें एक ट्रिक पता होगा, बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक है, नूब वॉक हेडशॉट ट्रिक। इसमें क्या करते हो, नूब वॉक करते हो और जैसे ही एनिमी कांस्टेंट पोजीशन में आता है तुम उसको इजीली हेडशॉट मार देते हो। सेम चीज को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे उकोंग के साथ, बूस वॉक हेडशॉट ट्रिक। बूस में रहोगे और वॉक करोगे, जैसे ही एनिमी कांस्टेंट पोजीशन में आएगा तुम इजीली हेडशॉट मार सकते हो। देखो, बूस में रहने से क्या होगा, 90% प्लेयर तुम्हें हेडशॉट नहीं मार पाएंगे। हाँ, अगर तुम्हारा नसीब खराब होगा देन तुम्हें हेडशॉट लग जाएगा बूस में रहने से भी, बट तुम एनिमी को इजीली हेडशॉट मार सकते हो। सो दैट इज द रीजन मैं उकोंग कैरेक्टर को यूज किया हूं। ओके, देन अभी बात करते हैं तीन ऐसे पैसिव कैरेक्टर जो इस कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा तगड़ा कर देगा और भी ज्यादा पावरफुल कर देगा। तो फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर है दसा कैरेक्टर। गन का रिकॉइल एंड मैक्सिमम रिकॉइल को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? फर्स्ट गन का नॉर्मल रिकॉइल को 10% रिड्यूस करती है एंड देन गन का जो मैक्सिमम रिकॉइल होता है देन उसको 10% अगेन रिड्यूस करती है। तो तुम्हें पता होगा हेडशॉट के लिए एक्यूरेसी होना चाहिए, तो बस एक्यूरेसी को अच्छा करने के लिए, मींस कंट्रोल करने के लिए दशा को यूज किया हूं। बट आपके दिमाग में एक सवाल होगा, दशा क्यों हम डीबी को यूज कर सकते हैं? तो सुनो, दशा कांस्टेंट 20% रिकॉइल रिड्यूस करती है, बट और जितना भी कैरेक्टर है उसका कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। जैसे कि डीबी का एबिलिटी है व्हेन फायरिंग व्हाइल मूविंग, मूवमेंट स्पीड इंक्रीज बाय 30% एंड एक्यूरेसी इंक्रीज बाय 60%। डीबी का एबिलिटी में फायरिंग के साथ साथ मूविंग करने से वर्क करता है एक्यूरेसी, वरना वर्क नहीं करेगा। एंड एक और कैरेक्टर है लॉरा जो स्कोपिंग करके फायर करने से 50% एक्यूरेसी इंक्रीज करती है। तो इसीलिए मैं दशा को यूज किया हूँ क्योंकि दशा का जो 20% रिकॉइल रेट को वो कम करती है, ये एबिलिटी कांस्टेंट है। ओके, देन सेकंड पैसिव कैरेक्टर को यूज करने से हेडशॉट मारना और थोड़ा इजी हो जाता है। उस कैरेक्टर का नाम है मोको कैरेक्टर, जो एनिमी के ऊपर एक टैग शो करती है कुछ इस तरह का। ये टैग नॉर्मली 5 सेकंड तक शो करता है और एबनॉर्मली 11.5 सेकंड तक टैग शो करेगा अगर एनिमी ज्यादा सियानापंती करने का कोशिश करता है। तो इस टैग को यूज करके हेडशॉट कैसे मारे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि तुम देख सकते हो एनिमी को पहले थोड़ा सा डैमेज दिया तो टैग शो कर रहा है, देन एनिमी जिस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक उसी के पीछे नहीं जाना है, इस बार आगे जाना है, ठीक उसी के फ्रंट में आ गया और इजीली मार दिया हेडशॉट। तो बस कुछ इसी तरह टैग को फॉलो करके एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो। द लास्ट एंड थर्ड पैसिव कैरेक्टर है लूना कैरेक्टर। रेट ऑफ फायर 8% इंक्रीज करती है, मींस नॉर्मल वेपन का रेट ऑफ फायर 8% इंक्रीज हो जाए। और आपको पता है जिस वेपन में रेट ऑफ फायर इंक्रीज होता है मींस उसमें तगड़ा ड्रैग हेडशॉट लगता है। और तो और लूना का एक और एबिलिटी है 15% मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करती है। तो ये था हेडशॉट कॉम्बिनेशन। एक और बार बताता हूँ, हेडशॉट कॉम्बिनेशन के लिए पहले एक्टिव स्किल में उकोंग कैरेक्टर को यूज किया हूं, देन रिकॉइल को कम करने के लिए दशा कैरेक्टर को यूज किया हूं, एनिमी का लोकेशन प्रॉपर बताने के लिए मोको कैरेक्टर को यूज किया हूं एंड फाइनली ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए, रेट ऑफ फायर इंक्रीज करने के लिए लूना कैरेक्टर को यूज किया हूं। तो गाइस, कॉम्बिनेशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डिफेंस कॉम्बिनेशन। हेडशॉट कॉम्बिनेशन तो बता दिया, अब तुम आराम से हेडशॉट मार सकते हो, बट अभी हेडशॉट से बचना भी पड़ेगा ना। टेंशन ना लो, ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ऐसा डिफेंस कॉम्बिनेशन बताऊंगा हेड में बॉडी शॉट का डैमेज देगा। कुछ भी
तो हेडशॉट से बचने के लिए एक्टिव कैरेक्टर में केंटा को यूज किया हूँ। रिसेंटली मैं केंटा के ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ, नहीं देखे हो जाके देख लो, वाई बटन में लिंक दे दिया हूँ। देखो मैं क्रोनो को यूज करता, बट क्रोनो का दो डिसएडवांटेज है। नंबर वन, सील के आर पर तुम फायर नहीं कर सकते हो, एंड नंबर टू, कूल डाउन टाइमिंग 110 सेकंड का है। इसीलिए केंटा को यूज किया हूँ। 50% डैमेज ब्लॉक करेगा केंटा का सील, एंड तुम सील के आर पार भी डैमेज दे सकते हो एनिमी को, एंड 70 सेकंड का कूल डाउन टाइमिंग है। द नेक्स्ट पैसिव कैरेक्टर में तीन ऐसे कैरेक्टर को यूज किया हूँ जिसको कोई भाव तक नहीं देता था। नंबर वन कैरेक्टर है जस्टिन बीबर। इसका एबिलिटी डिफेंस के लिए एक नंबर है। अगर तुम्हारे पास ईपी होगा तो 12% डैमेज ईपी से रिड्यूस होगा, और ये बेनिफिट तुम्हारे टीममेट को भी मिलेगा। तो अभी टोटल 62% हेडशॉट एंड बॉडी शॉट डैमेज रिड्यूस हो चुका है केंटा एंड जस्टिन बीबर के मदद से। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देन सेकंड पैसिव कैरेक्टर है उल्फ्रा कैरेक्टर। इसका एबिलिटी तो हेडशॉट मारने और हेडशॉट से बचने के लिए ही बना है। देखो उल्फ्रा का एबिलिटी है, जब एनिमी तुम्हें हेडशॉट मारेगा तो हेडशॉट डैमेज को 30% रिड्यूस करता है, एंड 30% डैमेज को इंक्रीज भी करता है जब तुम एनिमी को हेडशॉट मारोगे। अब बताओ कैसा लगा इसका एबिलिटी। तो अभी टोटल 92% हेडशॉट डैमेज रिड्यूस हो चुका है। कैसे? देखो केंटा 50% डैमेज को ब्लॉक करता है शील्ड के मदद से, जस्टिन बीबर 12% डैमेज को रिड्यूस करता है ईपी के मदद से, एंड उल्फ्रा 30% डैमेज को रिड्यूस करता है स्पेक्टेटर के मदद से। तो हो गया ना 50+30+12=92% हेडशॉट डैमेज रिड्यूस हो चुका है। बट अभी भी हमारे पास एक स्किल स्लॉट बचा है, उसमें हम लुकेटा कैरेक्टर को यूज करेंगे। अगर तुम फुल मैप खेल रहे हो देन लुकेटा कैरेक्टर को यूज करो, अगर तुम क्लास स्क्वाड खेल रहे हो देन एंटोनियो कैरेक्टर को यूज करो। लुकेटा का एबिलिटी है एचपी मीटर को इंक्रीज करता है 200 HP से 250 HP तक, बस आपको दो किल निकालना है, ओके। एंड एंटोनियो का एबिलिटी है क्लास स्क्वाड के एवरी राउंड में 40 HP एक्स्ट्रा देता है, तो इसीलिए क्लास स्क्वाड में एंटोनियो एंड BR रैंक में लुकेटा कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। ये दो कैरेक्टर को यूज करने का मेन रीजन है इंक्रीज HP। कभी-कभी क्या होता है 220-230 का हेड लगता है, बस ये दो कैरेक्टर को अगर यूज करते हो देन 220-230 का हेड भी लगेगा तो तुम इजीली बच सकते हो। तो ये था बेस्ट डिफेंस हेडशॉट कॉम्बिनेशन। अब 92% हेडशॉट डैमेज रिड्यूस हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद। हेडशॉट मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा गाइस। सो गाइस अगर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक और न्यू एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप केंटा फुल डिटेल्स वाला वीडियो देख लो, और मेरा ब्लॉग चैनल में एक मीम्स रिएक्शन वीडियो छोड़ा हूं उसको देख लो। सो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।